Hello student, today we will discuss about nucleophilic substitution reaction in aryl halide, right? So in last lectures we have discussed about nucleophilic substitution reaction in alkyl halide, right? SN1, SN2, Wood's reaction, beta elimination reaction, right? Aryl halide are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction due to the फॉलोइंग रीजन. तो फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट, राइट? रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, तो कि क्लोरीन है इन अ क्लोरोबेंजीन, मतलब कि या इन अ हेलोएरिंज, राइट? क्लोरीन है या तो हेलोजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? मतलब कि थ्री अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट? यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन इज हाई हो जाएगी, राइट? तो वो पॉसिबल है, नहीं है. उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? कहाँ पे, तो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाजू वाले कार्बन पे, मतलब कि यहाँ पे शिफ्ट हो गए, राइट? अब क्या होगा, तो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ड्यू टू दिस ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस कार्बन, मतलब कि यहाँ पे, राइट? तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, राइट? बट इन दिस थ्री स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट, कार्बन एंड क्लोरीन, राइट, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, राइट, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, राइट? इन हेलो एरेंज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन अ कॉन्जुकेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, राइट? फॉलोइंग फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, राइट? द CCl बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट, ड्यू टू रेजोनेंस एंड एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लेवेज इन अ हेलो एरिन इज डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच हो गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लेस होगा, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, राइट? एंड देन हेलो अल्केन, मतलब कि क्लीवेज इज डिफिकल्ट देन अ हेलो अल्केन, राइट? एंड देयर फॉर दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? अब नेक्स्ट डिफरेंस इन अ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? तो इन हेलो अल्केन, हेलो अल्केन में क्या होगा, तो कि कार्बन हेलोजन हैव सिंगल बॉन्ड, राइट? मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, राइट? बट इन अ हेलो एरिन कार्बन एंड हेलोजन, राइट, मतलब वो तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच हो रहा है वो कौन सा है, डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब कि sp2 हाइब्रिड कार्बन है, राइट? एंड ड्यू टू दिस रीजन ये बॉन्ड क्या होगा, शॉर्ट बॉन्ड होगा कंपेयर टू हेलो अल्केन बॉन्ड, राइट? इन हेलो अल्केन द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp3 हाइब्रिड, राइट? एंड वाई इन केस ऑफ हेलो एरिन द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp2 हाइब्रिड, राइट? द sp2 हाइब्रिड कार्बन विथ अ ग्रेटर एस कैरेक्टर, राइट? ग्रेटर एस कैरेक्टर मीन्स इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वन एस कैरेक्टर, वन एस ऑर्बिट एंड टू पी ऑर्बिट आर यूज, राइट? मतलब कि टोटल 3 ऑर्बिटल आर यूज एंड 100 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 33.3% समथिंग, राइट? तो एस कैरेक्टर कितना होगा, तो कि 30% अप्रोक्सीमेटली, राइट? बट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर मतलब कि एस वन एस ऑर्बिट एंड 3p ऑर्बिट मतलब कि टोटल 4 ऑर्बिट्स, राइट? तो 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 की 25%, राइट? तो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर इज 25% एंड इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर इज 33%, राइट? एंड देयर फॉर द sp2 हाइब्रिड कार्बन विद द ग्रेटर एस कैरेक्टर, राइट, एंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली देन sp2 हाइब्रिड कार्बन इन हेलो अल्केन विथ अ लेस एस कैरेक्टर, राइट? एंड दस CCl bond length in haloalkane is 177 picometer while in haloarene 169 picometer, okay? And since it is difficult to break a shorter,
जो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है उसे ब्रेक करना क्या है, डिफिकल्ट है कंपेयर टू लॉन्गर बॉन्ड, राइट? एंड देयर फॉर हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव, राइट? बिकॉज वो दोनों के बीच का कार्बन या तो और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, राइट? एंड देयर फॉर हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव देन कंपेयर टू हेलो अल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? नेक्स्ट, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, राइट? इन SN1 रिएक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस, राइट, कि इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म, राइट? बट इन अ हेलो एरिन फिनाइल कैटायन इज फॉर्म, मतलब कि C6H5+, राइट? एंड दिस कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल, राइट? एंड ड्यू टू दिस रीजन SN1 रिएक्शन इज नॉट प्रेफरेबल, राइट, for simple haloarenes, right? And in case of haloarene, the phenyl cation forms as a result of a self-ionization, right? Self-ionization मतलब कि C6H5H+ और X- form में divide हो गए, right? मतलब कि bond break होगा, उनका self-ionization होगा, right? And will not be stabilized by resonance, और वो resonance से stabilize नहीं होगा. And therefore, SN1 mechanism is ruled out. Okay, electronic repulsion. Okay, it is less likely for the electron-rich nucleophile to approach electron-rich arenes. Okay. Next, give the reaction of hydroxyl group with chlorobenzene. Chlorobenzene can be converted into phenol by heating in an aqueous sodium hydroxide. Sodium at a temperature of 623 Kelvin and a pressure of 300 atmosphere, right? मतलब कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, उस टाइम पे क्या होता है, क्लोरीन ग्रुप रिप्लेस होता है OH ग्रुप से, right? और क्या फॉर्म होता है, फिनॉल फॉर्म होता है, right? The presence of an electron withdrawing group NO2, right? अगर ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन इंक्रीज हो जाती है, राइट? व्हाई ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए एक रीजन है. फॉर एग्जांपल ये क्लोरोबेंजीन है, राइट, उसकी ऑर्थो पोजिशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो N डबल बॉन्ड O और N सिंगल बॉन्ड O-. अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, राइट? अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो कि ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, राइट, मतलब कि कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा वीक हो जाएगा, और इजीली हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, राइट? ऐसा कब होगा कि व्हेन NO2 ग्रुप इज अटैच ऑन ऑर्थो एंड पैरा बोथ पोजीशन, राइट? अगर NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे भी अटैच होता है तो सेम यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पॉजिटिव आयन, और उसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है, राइट, जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच का वो वीक हो जाएगा, तो इजीली हम लोग उसे ब्रेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर भी क्या चाहिए, लेस चाहिए, राइट? तो यहाँ पे देखो कि इफ़ NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अ पैरा पोजिशन तो 443 केल्विन टेम्परेचर उसके लिए ज़रूरी है, राइट? तो उस टाइम पे क्या होगा, क्लोरीन रिप्लेस बाय OH ग्रुप एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ऑप्टेन, राइट? सेकंड कंडीशन, NO2 ग्रुप प्रेजेंट ऑन अ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, राइट? तो एट दैट टाइम जो टेम्परेचर है वो हमें लेस चाहिए, 368 केल्विन, देन OH Cl ग्रुप रिप्लेस बाय OH ग्रुप, राइट? एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म, राइट? देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन मीन्स बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप, तो उसको हम लोग ओनली वार्म करेंगे, सिंपल हीट करेंगे ना, तो भी क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से, राइट? द इफेक्ट इज प्रोनाउंस व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, राइट? एंड हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज ऑब्जर्व,
right? By the presence of electron withdrawing group at a meta position. अगर ये electron withdrawing group meta position means ये position पे होगी तो ये reactivity वहाँ पे उस time पे produce नहीं होगी. Okay? समझ में आया कि अगर ortho और para position पे है तो उसकी reactivity high हो जाएगी because bond between carbon and chlorine weak हो जाएगा. ओके और वो इजीली ब्रेक हो सकता है तो लेस टेम्परेचर पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन राइट ऑफ क्लोरोबेंजीन. तो फाइव टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट हैलोजिनेशन देन नाइट्रेशन सल्फोनेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन. तो फ्रिडलक्राफ्ट में टू टाइप्स है फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन राइट. तो फर्स्ट हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 एट दैट टाइम टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म राइट. फर्स्ट 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एंड सेकंड 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन राइट. 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इज अवर मेजर प्रोडक्ट राइट. तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन का अगर हम लोग हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन कोई भी रिएक्शन करे तो जो न्यू एंटरिंग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी जगह पे अटैच होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे. ओके व्हेन वी अगर हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा कौन सी पोजिशन पे तो कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे और क्या फॉर्म होगा 1-chloro-2-nitrobenzene वो मेजर फॉर्म में होगा सॉरी 1-chloro-2-nitrobenzene माइनर फॉर्म में होगा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि 1-chloro-4-nitrobenzene वो कौन से फॉर्म में होगा मेजर फॉर्म में राइट. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए तो कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 राइट. देन नेक्स्ट सल्फोनेशन व्हेन क्लोरोबेंजीन react with concentrated H2SO4 in presence of heat at that time 2-chlorobenzene sulfonic acid and 4-chlorobenzene sulfonic acid are formed right and 4-chlorobenzene sulfonic acid is in a major form right. यहाँ पे name में 4-chlorobenzene लिखा है लेकिन क्या आएगा 4-chlorobenzene then sulfonic acid that चलो नेक्स्ट फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन. तो टू टाइप्स एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन. तो फर्स्ट अल्काइलेशन में क्या करेंगे हेलो अल्केन रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 राइट. तो बॉन्ड बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड Cl ग्रुप राइट ब्रेक होगा एंड दिस अल्काइल ग्रुप अटैच विथ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑन क्लोरोबेंजीन. क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी 1-chloro-2-methylbenzene and 1-chloro-4-methylbenzene. 1-chloro-4-methylbenzene is in a major form, right? And 1-chloro-2-methylbenzene is in a minor form, right? And last is Friedel-Crafts alkylation. Sorry, acylation. Acylation means CH3 when chlorobenzene react with CH3COCl. या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं RCOCl राइट. तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन ब्रेक होगा एंड दिस कार्बन अटैच ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ क्लोरोबेंजीन राइट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 राइट. तो टू प्रोडक्ट फॉर्म होगी फर्स्ट 4-chloroacetophenol इज इन अ मेजर फॉर्म एंड 2-chloroacetophenol इज इन अ माइनर फॉर्म राइट. दिस All five reaction, right? Chlorination, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation, right? All are important for your exam. Okay? Thank you.